दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, हो सकता है आप यकीन भी ना करें, लेकिन दोस्तों मात्र एक रुपए का ये उपाय आपके बहुत से बिगड़े काम बना देगा। मैंने कई बार अपने वीडियो में ये बात बताई है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी चीजों का सीधा संबंध किसी न किसी ग्रह से है। सभी वस्तुओं के ऊपर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। इनमें से कुछ चीजें हम भोजन में लेते हैं तो कुछ चीजों का दान करते हैं तो कुछ चीजें हम शरीर पर धारण करते हैं जिससे उग्र ग्रह शांत हो जाते हैं। ग्रहों की वजह से कोई न कोई समस्या जीवन में बनी रहती है। यदि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि राहु केतु और मंगल डिसबैलेंस हैं तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में काम धंधे में बरकत ना होना, ग्रह कलेश, आर्थिक तंगी, कर्ज हो जाना, व्यापार में घाटा, बीमारी जैसी बहुत सी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो एक रुपए का ये उपाय आपके जीवन में रामबाण साबित होगा। एक रात में चमत्कार नहीं होगा मगर समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, उपाय को जाने उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल हनुमान ज्योति को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, क्योंकि राम नाम लिखने, बोलने और सुनने मात्र से सभी पाप कर्मों का नाश होता है। वीडियो को लाइक डिसलाइक करना आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आपको एक माचिस लेना है। माचिस की तिल्ली में लगा हुआ मसाला शनि और राहु है। माचिस की तिल्ली को जलाते समय जो धुआं निकलता है वो केतु है, और माचिस की तिल्ली से जलते समय जो अग्नि ऊर्जा प्रकट होती है वो मंगल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है, तो आपको बस इतना सा काम करना है कि एक माचिस लेकर आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और माचिस को वहीं मंदिर में छोड़ आना है। अब आपकी दान की हुई माचिस की तीलियों से जैसे जैसे दीपक जलाए जाएंगे वो माचिस से तीलियां कम होती जाएंगी। वैसे वैसे शनि राहु केतु और मंगल से आपके जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती जाएंगी। ये उपाय बहुत सरल उपाय है, एक रात में चमत्कार नहीं होगा लेकिन आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव अवश्य आएंगे। आपको इन ग्रहों का आशीर्वाद मिलता जाएगा। मामूली सा लगने वाला यह उपाय आपकी जिंदगी में इतने चमत्कार कर देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय सिया राम।